सर्वप्रथम जिन दिव्य मूर्ति की प्रतिनित्य हम आराधना करते हैं, प्रभु श्री सीता रामचंद्र चंद्रमौलीश्वर और राजराजेश्वरी देवी की स्मृति, उनका नमन से दो शब्द हम शुरू करेंगे। यह अद्भुत वातावरण है, कर्नाटक बैंक बैंक के जैसा नहीं लगता। बैंक का एक धर्म रूप रिलीजियस फॉर्म वो दिखाई दे रहा है। इस समय सुबह सुबह 6 बजे हम कहीं बाहर आते जाते नहीं है, इस समय अनुष्ठान में रहते हैं। हम समझते हैं यह भी एक अनुष्ठान ही है। अद्भुत अवसर है, 100 साल पूरा किया संस्था ने, छोटी बात तो नहीं है। हमेशा हम कहते रहते हैं इंसान के लिए 1 साल ऐसा अवसर है कि जो शक्ति नहीं रहती, शक्ति ही नहीं होती, उठ नहीं पाएगा, चल नहीं पाएगा। परंतु संस्था के लिए 100 साल शक्तिदायक है। अगर किसी संस्था ने 100 साल पूरा किया तो अद्भुत शक्ति का संचयन रहता है उस संस्था में। तो इस संस्था ने 100 साल पूरा किया, 100 साल सार्थक रूप में पूरा किया। लोगों का जीवन सुधरा बैंक से, उपयोग बहुत हुआ समाज में, सेवा भी बहुत है। आज भी एक अच्छी सेवा मठ में, जो हम शोध संस्था बना रहे हैं, रिसर्च सेंटर बना रहे हैं भारतीय संस्कृति के लिए, संप्रदाय के लिए, पहले भी सेवा हुई थी, अच्छी सेवा हुई थी। अब जो बना है बैंक की सेवा से ही बना है, तो वही आगे बढ़कर आज भी एक और सेवा बैंक के ओर से संपन्न हो गया, तो बहुत ही स्पेशल लगता, बहुत ही अच्छा लगता। 100 साल पूरा होगा, शतमान भवन है ये। सुबह सुबह ऐसी पद पूजा, हमने भी हमारे नए MD के साथ बातचीत करते समय हमने यही कहा, किसी ने नहीं किया। संतों को बुलाकर पाद पूजा करके जो शतमान का जो आचरण जहाँ चल रहा है, शायद किसी बैंक ने किया नहीं। धर्म क्षेत्र के लिए एक ऐसा रिकॉग्निशन है ये बैंक की ओर से। तो संदेश हम यह समझते हैं, धर्म और अर्थ साथ होना चाहिए। धर्म के बिना अर्थ वो अलक्ष्मी है, लक्ष्मी नहीं है। और अर्थ के बिना धर्म वो सूखा रहता है, वो संपन्न नहीं होता है। तो अर्थ के बिना धर्म दरिद्र होता है, और धर्म के बिना अर्थ वो अलक्ष्मी है, वो लक्ष्मी नहीं है, वो दैवी संपत्ति नहीं है, आसुरी संपत्ति है। वो धर्म अर्थ अगर दोनों एक साथ होंगे तो जीवन सुंदर, सुखमय, शुभ, समृद्ध होगा। ऐसा एक अवसर है, हम ऐसे मानते हैं। बैंक और मठ के बीच में एक पुरातन संबंध है, मधुर संबंध है, वो ऐसा ही आगे बढ़े। हमको बहुत अच्छा लगा, हमारे जो श्री कृष्ण हरिहर शर्मा, श्री कृष्ण हरि शर्मा ऐसे सुने हैं, हरिहर शर्मा, हरि भी है, दोनों है। तो उनका जो स्वभाव है, संस्कार है, बहुत अच्छा लगा। तो जिस रास्ते से बैंक आया, इसी रास्ते में बैंक आगे बढ़ेगा, ये विश्वास हमें उनको देखकर आया। बहुत बहुत आशीर्वाद बैंक को, आशीर्वाद। और हमारे जो नए MD है श्री कृष्ण हरिहर शर्मा और सुगुणा, आपको भी बहुत बहुत आशीर्वाद। हमने सोचा कि कल तक रजत पादुका की पद पूजा की प्रस्तावना थी, हमको कल लगा कि इस अवसर में स्वर्ण पादुका पूजा हो। मठ में जो विशिष्ट स्वर्ण पादुका है, स्वर्ण पादुका पूजा भी विशिष्ट है, वो हो, ऐसे हमने फील किया। तो शर्मा जी को बहुत अच्छा लगा, वो शर्मा जी को मन भाया, ये हमें बहुत अच्छा लग रहा है। तो बहुत बहुत आशीर्वाद, स्वर्णानुग्रह, स्वर्णाशीर्वाद बैंक के लिए। ऐसे ही बैंक आगे बढ़े, ऐसे संस्था 100 साल क्यों
हजार साल पूरा करना, संस्था की योग्यता वो है। तो पूरा पूरा हृदय से आत्मा से हम आशीर्वाद देंगे, बहुत बहुत आशीर्वाद। हरे राम। हम एमडी जी को गोकर्ण बुलाना चाहेंगे इस अवसर पर, क्योंकि शोध संस्था बन चुकी है, शोध कार्य भी शुरू हो चुका है वहाँ, और आपकी सेवा से ही हुई है। और एक विशिष्ट संस्था है, सिर्फ भारतीय संस्कृति पर शोध चलता है वहाँ। आप अवश्य गोकर्ण पधारना ही है, क्योंकि वहाँ अगर नया भवन का उद्घाटन होगा तो आपके हाथ से ही होगा वो। तो इस समय हम आपको आमंत्रित करने के लिए समय का उपयोग हम कर रहे हैं, और जो बैंक का परिवार है आप सबको हम वहाँ आमंत्रित करना चाहेंगे। पुनः आशीर्वाद।